नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श अरोड़ा आपका फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ्रेट चैनल में। तो आज हम बात करने वाले डॉज कॉइन के बारे में, शिबा इनू के बारे में। इसी के साथ कार्डानो जो है बहुत ऊपर अभी जा सकता है। इवन यहां तक अगर आपने पोलकाडॉट अभी तक बाय नहीं किया है, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर जा चुका है, लेकिन फिर भी अभी बिल्कुल सही समय, क्योंकि ये नवंबर तक हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है पोलकाडॉट। इसी के साथ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बीटीसी के बारे में, इसका आगे आने वाले समय में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और कई सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हैं अगर हम बात करें बीटीसी की या फिर इथेरियम की, तो बहुत कुछ अभी है। एंड इस वीडियो को पूरा देखते रहो और हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं बीटीसी ने आज कोशिश करी है $59,000 के मार्क को टेस्ट करने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के दिन जो ऑल टाइम हाई रहा है वो 58,500 रहा है। तो यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिल रहा है, वापस को नीचे आ रहा है बीटीसी। लेकिन इसी के साथ अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, तो जो आर्क है, आर्क अपना खुद का एक ETF लेकर आने वाला है। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है और SEC अभी इसको रिव्यू करने वाला है, एंड ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड थिंग क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं पहले कितनी ज़्यादा यह माइनिंग हो रही थी चाइना में, मेनलैंड चाइना आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ माइनिंग बढ़नी शुरू हो चुकी है बाकी कंट्रीज में, स्पेशली USA में, और चाइना में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, यहाँ वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं। चाइना का बहुत बड़ा शेयर था, अराउंड 53-55% के आसपास था। यहाँ आप देख सकते हैं लगातार ये डिक्रीज़ होता जा रहा है, और उसके बाद US ने ऊपर इसको डोमिनेट कर लिया, 35% के आसपास चल रहा है। एंड US के बाद कजाकिस्तान है, इवन रशिया भी है, एंड और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं। तो अभी माइनिंग है कि वो ओवरऑल शिफ्ट हो चुकी है US में, एंड चाइना भी फंड क्रिएट नहीं कर सकता। इवन आप यहाँ कुछ न्यूज़ देखो कि चाइना में जितनी भी सर्विसेज चल रही थी वो ड्रॉबैक्स करी जा रही हैं। इवन यहाँ आप देखो कि बिटगेट एक्सचेंज है, उन्होंने भी अपनी सर्विसेज बंद कर देनी है इसी महीने। बाइनेंस ने, हॉपी ने, हर किसी एक्सचेंज ने सर्विसेज बिल्कुल बंद कर दी हैं चाइना में। तो अभी क्या कि क्रिप्टो में फंड क्रिएट नहीं किया जा सकता चाइना के द्वारा, और बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही हैं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ। एंड एक चीज़ यह है कि पोलकाडॉट, तो पोलकाडॉट अभी बहुत बुलिश रहने वाला है। तो पोलकाडॉट का क्या है कि ऑक्शन होने वाला है इसके पैरा चेन्स का, जो 11 नवंबर को होगा। तो हमें इसके प्राइस में लगातार इंक्रीज दिखेगा, ऑलरेडी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो पोलकाडॉट उन कॉइन्स में से एक है जो हमेशा होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चेनलिंक बताया है, या फिर इससे पहले कार्डानो बताया है। आप इन्हीं में से कुछ जो हमारे टॉप रैंक्स में जितने भी कॉइन्स आते हैं उनको होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ एक बहुत बड़ा सर्च ले चुका है पोलकाडॉट, लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी करीब एक महीना बचा है। एंड एक अगर आपको चीज़ नहीं पता है, तो क्रिप्टो दुबई एक्सपो जो इवेंट है वो लगातार चल रही है, 13-14 को शुरू होने थे, एंड शायद मोस्ट प्रोबेबली पूरा वीक तो चलेंगे, उसके बाद भी इस तरीके से ब्लॉकचेन समिट कंटिन्यू रहने वाला है। एक चीज़ अर्पा, तो अर्पा ने भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, कल की बात कर रहा हूँ, अर्पा ने, SFE ने, तो ये दो कॉइन्स से जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया। अभी यहाँ देख सकते हैं ओवर बाइंग होने के बाद इसका प्राइस नीचे आना शुरू हो चुका है, लेकिन अर्पा वालों को मैंने आपको पहले ही बताया कि अर्पा होल्ड करके रखो, थोड़ा सा बाय कर लो तब भी आपको फायदा है। एंड कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जैसे कि बाइनेंस है, हॉबी है, उसके ऊपर अर्पा वालों को कुछ एयर ड्रॉप भी मिले हैं बेल टोकन के, एंड बेल टोकन उसके भी कई सारे इवेंट आ रहे हैं, बेल कॉइन को भी आप होल्ड कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं डॉज और शिबा की तरफ। तो उससे पहले कार्डानो का थोड़ा और मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि कार्डानो ओवरऑल यहाँ बुलिश रहने वाला है। यहाँ तक क्या है कि इसका 71% जो कार्डानो है उसकी सप्लाई स्टेकिंग में जा चुकी है। जब भी किसी का TVL बढ़ता है या स्टेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जाता है, तो वो प्राइस हमेशा इंक्रीज होता है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यही कारण है कि अभी 3rd-4th पोजीशन पर अभी भी अटका हुआ है, चाहे इसका प्राइस खास इंक्रीज नहीं हुआ है। कार्डानो $2.12 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ अभी भी एक्युमुलेशन करने का थोड़ा समय है, इसमें एक्युमुलेशन अभी भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ माना जा रहा है कि ये $15-20 तक भी जाएगा। सो एक लॉन्ग अवेटेड रैली है बिल्कुल WRX की तरह, तो हम इसकी वेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, तो इलन मस्क का आपने देख लिया, बहुत सारे ट्वीट्स के रिप्लाई किए उन्होंने, डॉज को सपोर्ट करने की कोशिश करी है, लेकिन आउटकम बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ भी आउटपुट हमें नहीं मिला। डॉज का प्राइस अभी भी उसी प्राइस पॉइंट पे आप देख सकते हैं 0.23 के आसपास, एंड जितनी देर ये 0.26-0.27 को क्रॉस नहीं करता, ये अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी यहाँ क्या है कि बाइंग नहीं हो रही। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आप यहाँ देखोगे, यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है डॉज कॉइन के जो माइनर्स हैं कि वो अपने नॉड्स को अपग्रेड कर लें, क्योंकि जैसे ही अपग्रेड होगा उसके बाद क्या है कि ट्रांजैक्शंस की स्पीड बढ़ने वाली है, स्केलेबिलिटी बढ़ने वाली है। एंड नेक्स्ट इवेंट जो हमारा आ रहा है इथेरियम के साथ या ब्रिज होने जा रहा है, तो बहुत जगह डॉज को यूज़ किया जाएगा, इवन फॉर NFTs। तो इसलिए हम इस चीज़ की वेट कर रहे हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमें एक अच्छा प्राइस बूम देखने को मिल सकता है।
सेकंड थिंग, अभी हम शिबा की बात करें तो शिबा कई जगह पे लिस्ट होता जा रहा है, कई सारी वेबसाइट है जहाँ शिबा को एक्सेप्ट किया जा रहा है फॉर पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ देखो कि shopping.io है, इसके ऊपर शिबा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इवन 5% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं फॉर 7 days। इसी के साथ इसकी लिस्टिंग जारी है। उसी तरीके से अभी ये लिस्ट हुआ है कॉइनफ्लेक्स के ऊपर, इसके तीनों कॉइन्स जो इसके इकोसिस्टम के हैं, जिसमें बोन आता है, शिबा इनू आता है, डॉज कलर आता है, तीनों को लिस्ट किया जा चुका है। एंड अभी एक एयर ड्रॉप चल रहा है, आप यहाँ जाके ट्वीट देख सकते हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसको हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है फॉर पेमेंट सिस्टम, तो शिबा नहीं रुकने वाला। इसने अपनी पोजीशन 10th, 11th भी बनाकर देख ली है। उस दिन हमने देखा, जिस दिन इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा सर्ज आया था, तो उस दिन ये इसने यहाँ टेरा को भी सरपास कर दिया था। हालांकि अभी इसकी पोजीशन 18th पर चल रही है, एंड 18th बहुत बड़ा रैंक है। यहाँ देखो कि एल्गोरैंड उसके पीछे चल रहा है, पॉलीगॉन, स्टेलर बहुत ज़्यादा नीचे चल रहे हैं, एटम नीचे चल रहा है। तो शिबा इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये ऐसे वैसे मीम कॉइन्स में से एक नहीं है, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। एंड डॉज भी अपनी पोजीशन पकड़े हुए हैं, तो डॉज और शिबा इनू हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। एंड आई ट्राइड कि ये डेडिकेटेडली शिबा इनू और डॉज के बारे में रहे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैंने आपको इधर उधर की डिटेल्स दे दी हैं, ताकि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बुली चल रही है, और इसी के बेसिस पर आप यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड ऑल कॉइन्स अभी नहीं बढ़े हैं, थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका समय आता जा रहा है। आप देख रहे हैं 2%, 4%, 5%, इतना इंक्रीज आया, इतना भी काफ़ी है, क्योंकि इसी तरीके से आगे और ज़्यादा बढ़ेंगे। सो ऑल कॉइन्स कुछ ऐसे हैं जो अभी भी आप बाय कर सकते हैं, जिनमें एवेक्स अभी भी बाइंग रेंज में चल रहा है, लाइट कॉइन में इंक्रीज आने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें कार्डानो और क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं, टेजोस में आप एंट्री ले सकते हैं, टेजोस आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसी के साथ FTT में एंट्री ले सकते हैं, और तो और आप यहाँ एलरॉन में भी एंट्री ले सकते हैं, EGLD टोकन है। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जिनमें आप एंट्री ले सकते हैं, अभी इनमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी के अपडेट्स में आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, जो है @WaffedOfficial, वो आपको हर एक अपडेट साथ के साथ मिलती रहेगी। लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए, नीचे कमेंट कर दीजिए, और आप टेलीग्राम के ऊपर हमेशा जुड़े रहें, वहाँ हमारे ग्रुप के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, वॉफ राइट साइनिंग ऑफ।